साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय दत्त कितने बड़े स्टार हैं ये बताने की जरूरत नहीं है और फिल्मी घराने से आने वाले संजय दत्त अभी भी खासे पॉपुलर हैं, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि फिल्मी परिवार से आने के बाद भी संजय दत्त पर कभी भी नेपोकिट्स या फिर नेपोटिज्म बढ़ाने के आरोप नहीं लगे। संजय दत्त अपने हिसाब से ही आगे बढ़ते रहे, अपना काम करते रहे, लेकिन अब पहली बार बॉलीवुड को लेकर, मूवी माफिया को लेकर संजय दत्त खुलकर बोले हैं और ऐसा कुछ बोल गए जिसने खलबली मचा दी, क्योंकि संजय दत्त ने साफ साफ कह दिया कि बॉलीवुड को अब अपना गंदा धंधा बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब वक्त आ चुका है। और संजय दत्त ने इसे लेकर बड़े बड़े नाम ले डाले, बड़े बड़े फिल्मी घरानों के नाम ले डाले। तो क्या क्या कहा संजय दत्त ने और क्यों कहा, ऐसा सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो संजय दत्त वैसे तो बयानबाजी से काफी दूर रहते हैं और अपने काम पर, यारी दोस्ती पर ही ध्यान देते हैं। हालात ये हैं कि यारी दोस्ती के लिए कई फिल्मों में संजय दत्त ने बहुत छोटे छोटे रोल किए, चाहे वो फिल्म पीके हो, भुज हो या फिर सोहेल खान की डेब्यू फिल्म। दोस्ती निभाने में संजय दत्त हमेशा हर जगह माहिर है। संजय दत्त का करियर शानदार रहा है, चाहे वो 80s का दौर हो, 90s का या फिर उसके बाद का। हालांकि कुछ विवादों में संजय दत्त जरूर रहे, कुछ समय के लिए जेल भी गए, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद बॉलीवुड में अपनी दूसरी पारी में तो संजय दत्त पूरी तरह से बदले हुए देखे। संजय दत्त का ज्यादातर समय इन दिनों अपने परिवार के साथ दुबई में ही गुजरता है। अब इतने सालों में संजय दत्त ने बॉलीवुड के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला, मूवी माफिया पर कभी कुछ नहीं कहा, मगर इस बार बॉलीवुड पर, यहाँ के धंधेबाजों पर संजय दत्त बहुत कुछ बोले हैं। जी हाँ, संजय दत्त पहली बार बोले और ऐसा बोले कि धज्जियां उड़ा दी। संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 साल में इंडस्ट्री के हालात बेहद खराब हो गए हैं, बॉलीवुड का बेस लगातार कम हो रहा है, बेस लगातार गिर रहा है और इसकी बड़ी वजह खुद बॉलीवुड है। जी हाँ, संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 साल में कोविड तो रहा, लेकिन उससे भी बड़ी वजह फिल्मों की खराब क्वालिटी और अपने परायों में भेद करना रहा है। जी हाँ, खुलकर संजय दत्त ने बात की। संजय दत्त ने कहा कि पिछले 2 सालों में वैसा काम हुआ ही नहीं जैसा कि होना चाहिए था। संजय दत्त ने कहा कि बॉलीवुड में कुछ फिल्में जबरदस्ती बनाई जाती हैं, कुछ एक्टर्स को जबरदस्ती मौके दिए जा रहे हैं, यहाँ पर भाई भतीजावाद बहुत ज्यादा है, ये कम होना चाहिए क्योंकि अब दर्शकों के पास बहुत ज्यादा विकल्प आ गए हैं। संजय दत्त ने कहा कि OTT ने बॉलीवुड को तबाह कर दिया है और बहुत दूर नहीं, जब बॉलीवुड संभला नहीं तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा, पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। संजय दत्त ने कहा कि OTT को लेकर वेस्ट कंट्रीज में पिछले सालों में काफी बदलाव आया, लेकिन भारत में पिछले 2 साल में ही ये बदलाव देखने को मिला है। संजय दत्त ने कहा OTT ने बॉलीवुड की जगह को पूरी तरह से भर दिया है, वहाँ बहुत सारा कंटेंट है और अलग अलग तरीके का कंटेंट है, वहाँ नए एक्टर्स हैं जो कि शानदार काम कर रहे हैं, नए डायरेक्टर्स हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं, नए फिल्म मेकर्स हैं और बॉलीवुड उसी घिसे पिटे पुराने फॉर्मूले पर काम कर रहा है। संजय दत्त ने कहा कि बॉलीवुड के लोग बदलना भी नहीं चाहते, जी हाँ, उसी घिसे पिटे फॉर्मूले पर आगे भी काम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ नए लोग जो काम कर रहे हैं वो सभी को पसंद आ रहा है। OTT पर जो सब कुछ हो रहा है वो लोगों को पसंद आ रहा है और OTT ही अब फ्यूचर है, OTT ही हमारे देश का या कहें कि इंडस्ट्री का भविष्य है। संजय दत्त ने यहाँ तक कह दिया कि पिछले 2 साल में बॉलीवुड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, कई बड़े प्रोड्यूसर्स यहाँ पर तबाह हो चुके हैं। संजय दत्त ने नाम लेकर कहा कि यशराज की फिल्में नहीं चल रही हैं, 83 जैसी बड़ी मूवी बर्बाद हो गई, धर्मा प्रोडक्शन की भी हालत खराब है और लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, दर्शक उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और इन लोगों ने अपने काम करने का तरीका, अपने काम करने का अंदाज नहीं बदला तो कुछ सालों में पूरा का पूरा बॉलीवुड बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि संभलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ये बड़े बड़े फिल्मी घराने ही अगर नहीं संभल पाएंगे, नहीं बच पाएंगे तो फिर बाकियों का क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कि संजय दत्त ने नाम लेकर बॉलीवुड के बड़े फिल्मी घरानों की धज्जियां उड़ा दी और कह दिया कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, खुद को बदलना होगा, तरीकों को बदलना होगा, नहीं तो दर्शक इतने ज्यादा मजबूत हो चुके हैं कि वो हमको, यानी कि बॉलीवुड को ही बदल देंगे, बॉलीवुड को उखाड़ कर फेंक देंगे और OTT पूरी तरह से कब्जा जमा लेगा और हमें भी OTT पर काम करना होगा। हालांकि संजय दत्त ने यह जरूर कहा कि उन्हें OTT पर काम करके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, वो चाहते हैं कि आगे भी OTT पर काम करें, लेकिन बॉलीवुड भी साथ साथ चलता रहे और अगर बॉलीवुड नहीं बदला, नहीं संभला तो बॉलीवुड को खत्म होते देर नहीं लगेगी। तो आप संजय दत्त की इन बातों से कितना सहमत हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो आफ्ताब शिवदर्शनी वो नाम है जो बॉलीवुड में आया तो धमाकेदार अंदाज में, लेकिन जब सक्सेसफुल होने लगा, जब आगे बढ़ने लगा, लोग उसे पहचानने लगे, उसके नाम से, उसके काम से जानने लगे, तो आफ्ताब को उठाकर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर फेंक दिया गया, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत दूर कर दिया गया। जी हाँ, ये सब कुछ कहना है खुद आफ्ताब का। आफ्ताब ने पहली बार खुलकर बात की है, खुद के आउटसाइडर होने पर बात की, और सबसे बड़ी बात, सुशांत के दर्द पर, खुद के दर्द पर और आउटसाइडर होने के दर्द पर बात की है। आफ्ताब शिवदासानी ने कहा कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा पाप आउटसाइडर होना ही है। यहाँ आपके टैलेंट से किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है। आप अगर आउटसाइडर हैं तो आपको हर जगह कॉम्प्रोमाइज करना होगा, चाहे वो फिल्म में रोल हो, फिल्म की फीस हो, या फिर पार्टी और किसी बड़े इवेंट्स में मिलने वाली जगह हो। हर जगह, हर बार आउटसाइडर को बेहद गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उन्हें बिल्कुल दोयम दर्जे का समझा जाता है। आफ्ताब ने आगे बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोग, या जिन्हें गैंगबाज भी कहा जाता है, वो आउटसाइडर्स को देखकर ऐसे ही पागल हो जाते हैं जैसे सांड लाल रंग को देखकर पागल हो जाता है, और हर वक्त वो लोग मुझ जैसे, सुशांत जैसे आउटसाइडर्स के पीछे पड़े ही रहते हैं, और कि कैसे इनको नीचे दिखाया जाए, कैसे इनको गिराया जाए, और कैसे इनका करियर खत्म किया जाए। यहां तक कि सुशांत की तो जिंदगी इनसे लड़ते लड़ते खत्म हो गई। जी हां, पहली बार बॉलीवुड में आफ्ताब ही हैं जो खुलकर सुशांत को लेकर, आउटसाइडर्स को लेकर बातें कर रहे थे। आफ्ताब ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत कुछ झेला, वो आउटसाइडर था, लेकिन उसका काम, उसकी एक्टिंग कमाल की थी, लेकिन उसे फिल्म इंडस्ट्री में वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। जिस लेवल का वो कलाकार था, जिस दर्जे का वो एक्टर था, उसे इंडस्ट्री के टॉप 5 में से होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वो दुनिया से ही चला गया। आफ्ताब ने साफ साफ कहा कि सुशांत के आगे और पीछे ऐसे हालात बना दिए गए कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं, और उसे सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड होने के लिए छोड़ दिया गया। सुशांत के साथ इंडस्ट्री ने जो भी किया वो गलत किया, इंडस्ट्री ने जो नाइंसाफी की उसी का फल आज ये लोग भुगत रहे हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लाइन से फ्लॉप हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं। और आफ्ताब ने कहा कि पिछले 2 साल में बहुत सारे लोग, फिल्मी लोग बर्बाद हो चुके हैं। 2 साल में फिल्म इंडस्ट्री नहीं, बहुत कुछ बदल चुकी है, बहुत कुछ झेल चुकी है, बहुत ज्यादा कई लोग यहां बर्बाद हो चुके हैं, और OTT ने कुछ लोगों को आबाद किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो लोग गैंगबाज हैं, जो लोग फिल्मी लोग हैं, उन्हें बर्बादी ही मिली है। आफ्ताब ने कहा कि OTT ने ही मुझे भी नया जीवन दिया, मुझे भी नए कैरेक्टर और नई ललक दी, क्योंकि मुझे तो इन लोगों ने बर्बाद करने की सुपारी ले रखी थी। आफ्ताब ने बताया कि आज OTT की वजह से मुझे वापस अपने मन का काम करने का मौका मिल रहा है, अपने मन मुताबिक लोगों के साथ उठने बैठने का मौका मिल रहा है, मगर पहले ऐसा नहीं था। जी हाँ, आफ्ताब ने अपनी भी बात की। आफ्ताब ने बताया कि कोला के एड में मुझे देखकर राम गोपाल वर्मा ने मुझे पहली मेरी फिल्म दी और मस्त फिल्म के लिए मुझे साइन किया, और इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार ताउम्र रहूंगा, लेकिन मेरा असली स्ट्रगल इसके बाद ही शुरू हुआ। आफ्ताब ने बताया कि उनकी पहली फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया और दूसरी फिल्म कसूर सुपरहिट रही थी, लेकिन कसूर फिल्म के सुपरहिट होने के बाद कहां तो उनको ज्यादा काम और दाम मिलना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। जी हाँ, आफ्ताब ने बताया कि मैं आउटसाइडर था तो मुझे वैसे ही बर्बाद कर दिया गया जैसे सुशांत सिंह राजपूत को। मेरी हिट फिल्में होने के बाद ही मुझे काम मिलना बंद हो गया, लोगों ने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मुझे फिल्मों में कास्ट करना बंद कर दिया। हालात ये हो गए कि मुझे इंडस्ट्री से बाहर करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए, और वो लोग सफल भी रहे। जी हाँ, आफ्ताब ने कहा कि आउटसाइडर होने की सजा मुझे भुगतनी पड़ी और मुझे फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया गया, और 2013 के बाद पिछले 8 से 9 साल मुझे कोई काम नहीं मिला, कहीं काम मिला भी तो इतना दोयम दर्जे का जिसे मैं कहीं बता नहीं सकता था, दिखा नहीं सकता था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।